हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है प्रताप ब्लॉग के चैनल में। दोस्तों, जॉय कंपनी के जॉय ई बाइक जो कंपनी है, बहुत सारे इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मार्केट में अभी तो अवेलेबल है। बहुत सारे लोग परचेज भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिल रहा है। दोस्तों, जो मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर में से इनका नाम आता है, जो कि जॉय ई बाइक वोल्फ, जॉय वी ई बाइक ग्रीन, और अभी जो हम बात करने वाले हैं जॉय ई बाइक जेन नेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, जेन नेक्स्ट नानो एक ऐसा मॉडल है जो कि पॉपुलर तो लाई है, क्योंकि उसका जो रेंज है वो आपको 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के आसपास रेंज दिखाएगी, जो कि मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके प्राइस में थोड़ा हलचल देखने को मिली है अभी के टाइम पर। अगर आप दोस्तों दिवाली से पहले लेना चाहते हैं तो यानी 4-5 दिनों में, तो आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जॉय ई बाइक जेन नेक्स्ट के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, एंड तक देखना ताकि आपको बहुत कुछ जानकारियां मिल सकेगा। तो इस तरह के अपडेट वीडियो पाने के लिए हमारे इस प्रताप ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ पास में बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के अपडेट वीडियो और अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कलर ऑप्शन की बात करें, इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहा है, ब्लैक, सिल्वर, रेड और व्हाइट कलर के ऑप्शन में। दोस्तों, इसके फीचर्स में आपको स्टैंडर्ड वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, रियर में फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, स्टैंडर्ड वाला ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर और टेलीस्कोप सस्पेंशन डुअल चैनल के। और इसमें आपको जो आपको वारंटी रहेगी बैटरीज पर, मोटर पर आपको 2 साल के लिए वारंटी भी मिल रहा है। दोस्तों, इसका जो बैटरी पैक होगी वो आपको 60 वोल्ट के 26 AH के लिथियम आयन के बैटरी, जो कि आपको मैक्सिमम रेंज दिखेगी आपको 75 किलोमीटर के आसपास। टॉप स्पीड स्कूटर की आपको 25 किलोमीटर की दोस्तों, और लिथियम आयन की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। BLDC मोटर मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया रहेगा। तो किलोवाट के हिसाब से बात करें बैटरी कैपेसिटी की, 1.38 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी, जो कि मोटर आपको BLDC मोटर 250 वाट की मोटर की पावर प्रोवाइड करेगी। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन देंगे हम इसके अपडेट प्राइस के बारे में। दोस्तों, अगर इसे सिटी राइड के लिए लेना चाहते हैं तो ज्यादा रूट तो ये नहीं जा सकता, जो कि 75 किलोमीटर आसपास इसका रेंज है। LED लाइट, जैसे कि आपको स्टैंडर्ड वाला फीचर्स देखने को मिले, काफी लंबी सी सीट मिलेगी, फुट स्पेस इतना बड़ा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, फ्रंट में भी आपको स्टोरेज बॉक्स मिल जाएंगे और सारे के सारे लाइट आपको LED के मिलेंगे, बस टेल लाइट ही आपको इसमें वॉल्व की नजर आएगी, नहीं तो बाकी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी एडवांस फीचर जो कि वाटर प्रूफ के BLDC मोटर मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया रहेगा। तो इसके अपडेट प्राइस जो अभी चल रहा है, अगर आप दिवाली से पहले इसे लेना चाहते हैं तो अभी इसका एक्सोन की प्राइस आपको 68,250 में, RTO चार्जेस आपको 4,000 के देने पड़ेंगे, 4,095 की, इंश्योरेंस के चार्ज आपको 6,511 रुपये की आ जाएगी, जो कि ऑन रोड की प्राइस आपको 78,856 में। दोस्तों, अभी के टाइम पर आपको बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपको 78,000 यानी 78,856 में मिल रहा है। पर अगर दोस्तों दिवाली से पहले लेना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आपको बढ़िया प्राइस में मिल जाएगा, यानी आपको लगभग से 65,000 में। दोस्तों, आपको अभी के टाइम पर 65,000 में आपको जीन एस्ट वाला मॉडल लेना चाहते हैं, जो कि जॉय ई बाइक मॉडल का, जॉय ई बाइक कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आपको इसी मॉडल में आपको 65,000 में दिल्ली में और मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बैंगलोर में अभी उसका प्राइस चल रहा है 72,000 की, तो बैंगलोर में थोड़ा ज़्यादा है, तो दिल्ली से अगर आप हैं तो इसी कीमत के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया न्यूज है, दिवाली से पहले अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस तरह के अपडेट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके शहर के हिसाब से प्राइस जानने के लिए, दोस्तों आप कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, आपके शहर के हिसाब से प्राइस जानने के लिए और आपके शहर के हिसाब से शोरूम कहाँ पर है वो भी आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।